बचपन से ही फ्रेंड्स हम सुनते आए हैं कि हमें हरी सब्जियां, स्पेशली पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। सर्दियां भी आ गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स को कुछ हेल्दी सिखाया जाए। आज हम बनाएंगे दाल, वो भी पालक वाली नहीं, मेथी वाली। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, साउथ इंडियन स्टाइल। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आई एम श्योर जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो सब लोग इसको लाइक करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। मेथी दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कटोरी मेथी ली है। मेथी बिल्कुल फ्रेश है, इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इसको मोटा मोटा काट लिया। मेथी को हमेशा पहले धोइएगा फिर काटिएगा, क्योंकि अगर हम पहले काटते हैं और बाद में धोते हैं उसकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेथी के पत्ते जो हरे हों, फ्रेश हों, ठीक है। अब मेथी दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिए है मूंग धुली दाल, ये है 3/4 कप। आप चाहे तो इसमें अरहर की दाल जो होती है, तूर दाल भी जिसको बोलते हो, आप वो भी ले सकते हो। मूंग धुली दाल मैंने इसलिए ली है क्योंकि थोड़ी सी ये हल्की होती है और खाने में भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था, तो देखते हैं इसको आगे कैसे बनाना है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, एक कुकर में दाल उबालेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी और इसमें ये जो मूंग धुली दाल है ये सारी इसमें डाल देंगे और इसको 2 सीटी आने देंगे मीडियम आंच पे। और जैसे ही 2 सीटी आ जाए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी स्टीम इसी में ही रहने देंगे। इसी बीच इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच नमक। कुछ नमक हम बाद में भी डालेंगे। और इसका लगा देती हूँ मैं ढक्कन और इसकी वेट करते हैं 2 सीटी आने तक। 10 मिनट हो गए, देखते हैं हमारी दाल कैसी हुई है। ये देखिए, दाल हमारी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गली हुई होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि दाल आपकी बहुत ज्यादा गली हुई नहीं है तो इसको हमने मैशी करना है। बिल्कुल हमने खड़ा खड़ा दाना नहीं रखना। मेरी दाल जो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हुई हुई है, क्योंकि एक तो ये पहले भीगी भी हुई थी और इसको हमने प्रॉपर स्टीम भी दी है। तो फटाफट से बनाते हैं इसके लिए कोकोनट पेस्ट। कोकोनट पेस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिक्सी का कोई भी जार ले लीजिए। इसमें मैं डालूंगी फ्रेश नारियल, ये थोड़ा सा है, अराउंड 2 टेबलस्पून। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 ड्राई रेड चिली। अब ये मैंने लिए है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे, अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो और भी बायागिड़ी आती है या और भी सूखी लाल मिर्च आती है, आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने ये लाल मिर्च इसलिए ली है क्योंकि एक तो ये कम स्पाइसी होती है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसी बीच इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। अब इसको ग्राइंड करने के लिए फ्रेंड्स, मैं यूज करूंगी थोड़ा सा गरम पानी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब हम नारियल की भी चटनी बनाते हैं तो कई बार नारियल की चटनी बनाते वो थोड़ी सी स्प्लिट यानी कि फट जाती है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि नारियल जो है थोड़ा सा ठंडी होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ही इसको पीसना चाहिए। तो अब इसकी बनाते हैं बहुत ही बढ़िया पेस्ट। ये देखो, इस तरह से हमारे पास एक कोकोनट की पेस्ट रेडी होगी। इसका कलर देखो कितना बढ़िया, और बिलीव मी, इसको दाल में डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनानी है दाल। मेथी दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में मैं लूंगी थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे तो नारियल का तेल भी ले सकते हो, दोनों से ही फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, देसी घी गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने मेथी लीव्स काट के रखे थे। इसको हम सॉटे करेंगे 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम, ताकि अच्छे से ये स्टर हो जाए, मतलब पक जाए। एक कोशिश ये करनी है कि जब मेथी लीव्स हम पका रहे होंगे तो बहुत ज्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका जो अपना एक ग्रीन कलर है वो रहे, मतलब वो खराब ना हो टेस्ट। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मेथी का मतलब खाने से क्या है, वो कड़वापन आ जाता है, वो भी हमारे इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब एक चीज आप और भी कर सकते हो, अगर इसका कलर आप चाहते हो बिल्कुल रहे तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी, जो इसका कलर जो है सस्टेन करेगी, यानी कि वो रहने देगी। अब इसको 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही सौते करेंगे। जैसे ही 1-2 मिनट हो जाए फिर साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने मूंग धुली दाल अपनी पकाई थी, इस तरह से सारी दाल इसी में डाल दूंगी। साथ ही हमने ये जो कोकोनट पेस्ट बनाई थी ये भी सारी इसी में डाल दूंगी। बिलीव मी, इस तरह से मेथी दाल बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। अगेन इसको करेंगे मिक्स। हर स्टेट की फ्रेंड्स अलग अलग तरह से डिश बनती है। गुजरात में अलग तरह से मेथी दाल बनती है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरह से बनती है, महाराष्ट्र आप जाओगे वहां अलग तरह से बनती है। ये थोड़ी सी मतलब बहुत ही हटके फ्लेवर आते हैं, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। ये रहा 1 कप पानी,
ये जो कुकर में फ्रेंड्स दाल थी ना, मैंने उसी में पानी डाल के इसमें डाल दिया। आप सोचोगे ये पीला पीला पानी कहाँ से आ गया। ठीक है, अब दाल की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक के रख देंगे ताकि मेथी का फ्लेवर और नारियल का फ्लेवर हमारी पूरी दाल में आ जाए। 5 मिनट तक रखेंगे और वो भी लो फ्लेम पे। ये लो जी, 5 मिनट हो गए। लेट्स सी हमारी दाल कैसी हुई है। ओहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार। अब इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा हमने पहले थोड़ा सा नमक डाला था, अगेन इसमें मैं डालूंगी नमक। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। मैं इसमें अगेन डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगेन इसको मिक्स करते हैं और इसको किसी भी बाउल में डालते हैं। लेकिन अभी दाल हमारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसको लगाएंगे ऊपर से तड़का। तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। अगेन आप इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हो। थोड़े से मैं इसमें डालूंगी हींग, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा हमारी दाल को। थोड़े से करी के पत्ते, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स साबुत लाल मिर्च, और थोड़ी सी चाहिए इसमें मैं डालूंगी उड़द धुरी दाल। अगेन इसको स्टर करेंगे और दाल के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें राई भी डालेंगे, मैं भूल गई डालना इसमें। इसको पहले ही डालना है जब उड़द धुली दाल डाली थी। ठीक है, अगेन इसको 20 से 30 सेकेंड तक सॉटे करेंगे। अब इसको डालेंगे दाल के ऊपर। ये रहा जी इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया तड़का। अब इसको किसी भी राइस, चपाती या फिर पूड़ी के साथ इंजॉय कीजिए। ये देखो कितनी बढ़िया बनी है। अब इन सर्दियों में ये दाल जरूर घर पे ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए आपकी मेथी दाल कैसी बनी है, और वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।